बच्चे आमतौर पर खाने पीने के मामले में काफ़ी लापरवाह होते हैं, जिस कारण से वो बहुत कमज़ोर होते हैं और उन्हें आसानी से थकान और अनेक परेशानियां होने लगती है। क्योंकि इसका असर बच्चों के पाचन तंत्र पर पड़ता है, उनके इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। अगर बच्चा खाएगा पिएगा नहीं तो उसके इम्यूनिटी सिस्टम पर इसका असर होगा। ऐसे में उसके माता पिता की जिम्मेदारी रहती है कि बच्चे के शरीर की कमजोरी को किस तरीके से दूर किया जाए, उसे ऐसा कौन सा पौष्टिक आहार या पोषक तत्व खिलाए जाएं कि उसका खाने में भी रुचि बनी रहे और उसको कमजोरी भी ना हो। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संगीतास पेन में। आज के इस वीडियो इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कमज़ोर बच्चों को ताकतवर बनाने के लिए, उन्हें हेल्दी बनाने के लिए आप क्या खिला सकते हैं और कितनी मात्रा में उन्हें ये चीज़ें खिलानी चाहिए, जिससे उनका बॉडी और माइंड दोनों का अच्छा विकास हो और उनकी इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत बने रहे। इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स दे रही हूँ जिससे आप अपने बच्चे के नाश्ते या खाने में नियमित रूप से शामिल करके उसे तंदुरुस्त हेल्दी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अपने बच्चों पर अप्लाई करती हूँ और मुझे इसका अच्छा रिजल्ट दिखने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आप इन टिप्सों के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं और क्या हैं ये टिप्स ये जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और उसके बाद ही अपनी राय लाइक शेयर एंड कमेंट के माध्यम से दें और ऐसी खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए जानते हैं बच्चों को हेल्दी एंड फिट बनाने के लिए उनके खाने में हमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल करनी चाहिए। डाइट एक्सपर्ट की माने तो बच्चों को हर रोज़ विटामिन्स, मिनरल्स, फैट और प्रोटीन का एक संतुलित मात्रा में सेवन करना चाहिए। ये उनके शरीर के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका बच्चा कमज़ोर है तो आप उसकी डाइट में घी, मक्खन, दाल, दूध, केला, शकरकंदी, हरी सब्जियाँ और ड्राई फ्रूट, ये सब चीज़ें शामिल कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को हेल्दी बनाने के लिए बनाना शेक बना सकते हैं, उसे डेली बनाना शेक दे सकते हैं, क्योंकि केला एनर्जी का बेहतरीन स्रोत माना गया है। ये कमज़ोर बच्चों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। इसका शेक बनाना या फिर दूध और केला बच्चे को नाश्ते में या खाने में देना, उसके वजन तो उसका वेट तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ उसके हाइट में भी ग्रोथ करता है। साथ ही अगर आपका बच्चा बनाना शेक नहीं पीना चाहता तो आप उसको दूध में केसर डालकर दे सकते हैं। दूध, केसर का दूध खाली पेट पीना बहुत अच्छा माना जाता है, यानी कि आप मॉर्निंग में अपने बच्चे को केसर वाला दूध दे सकते हैं। केसर बच्चों के पाचन में भी बहुत सुधार करता है, जिससे उन्हें गैस, एसिडिटी, इन चीज़ों की दिक्कत भी नहीं होगी और उनका पाचन भी सही रहेगा। अगर बच्चे का पाचन तंत्र अच्छा होगा तो वो खाना भी अच्छा खाएगा और संपूर्ण आहार पूरे अपनी डाइट लेगा जितना वो खाना चाहता है, और जिससे वो हेल्दी बनेगा। अगर कोई बच्चा छोटी उम्र में ही अस्थमा से ग्रसित है तो उस बच्चे को सांस लेने में कई परेशानियां होती है। ऐसे में केसर मिला दूध बच्चे को देने से बहुत लाभ होता है और केसर हमारे हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। इसीलिए बच्चों को केसर वाला दूध देना चाहिए, जिससे उनकी हड्डियां भी मजबूत बने। या हरी सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर, इसके अलावा इनमें पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने की भी क्षमता होती है। हरी सब्जियों के सेवन से हमारा पाचन तंत्र भी अच्छा रहता है। बच्चों को ब्रोकली, साग, मटर, पालक, बंद गोभी का हमें डेली यूज कराना चाहिए। अगर डेली हम इन सब्जियों को ना भी बना सके तो हफ्ते में 2 बार इन सब्जियों को बनाना चाहिए। इस तरह से बच्चे को स्वाद भी मिलेगा, साथ ही पोषण भी मिलेगा। घी या मक्खन, घी और मक्खन फैट से भरपूर खाद्य पदार्थ होते हैं। इसका बच्चों को का सेवन वो दाल, रोटी या आप बच्चे को जब दूध देते हैं उसमें भी 1 चम्मच घी डालकर दे सकते हैं। इसी तरीके से खाने को पचाने में घी मदद करता है और इसमें पेट से संबंधित परेशानियां दूर भी होती हैं। बच्चे के लिए घी एनर्जी का फर्स्ट स्रोत माना जाता है, प्रमुख स्रोत घी ही माना जाता है। इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो बच्चे को एनर्जी देता है, उसको ताकत देता है। कहा जाता है कि 5 साल की उम्र तक बच्चे के मस्तिष्क का पूरा विकास हो जाता है। अधिकतर जो विकास होता है वो 5 साल की उम्र तक का बच्चे के माइंड का हो जाता है। इसीलिए इस समय पर बच्चे को घी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। आप सुबह के नाश्ते में घी के पराठे बनाकर बच्चे को दे सकते हैं या फिर दूध में घी मिलाकर दे सकते हैं। बाकी तरीके से बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, उसको तंदुरुस्त हेल्दी बनाने के लिए आप बच्चे को डेली आंवला खिला सकते हैं। सुबह नाश्ते में उसे आंवले का मुरब्बा, या अगर आपका बच्चा आंवला नहीं खाता तो आप उसे 4 से 5 आंवला की कैंडी भी खिला सकते हैं। आंवला खाने से बच्चे में कब्ज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये नहीं होती है। साथ ही हम सभी जानते हैं कि आंवला में विटामिन सी होता है, जो हमारे भोजन में आयरन बढ़ाता है।
आंवला के विषय में, आंवला क्या है और इसका कैसे यूज करना चाहिए, कितनी मात्रा में इसे खाना चाहिए, इस विषय में जानकारी के लिए आप मेरे ब्लॉग संगीताहसबैंड.com पर विजिट कर सकते हैं। उस पोस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पर मैंने पूरी जानकारी दी हुई है इसकी। आंवला भूख बढ़ाने में भी मदद करता है। भूख बढ़ने से बच्चा और अधिक मात्रा में खाना खाएगा, जिससे उसके वजन में भी वृद्धि होगी। दुबले बच्चों को नाश्ते में आंवला जरूर खिलाएं, ये बच्चों की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और इन्फेक्शन से भी बचाता है। अंडा और आलू, कमज़ोर बच्चों के लिए अंडा और आलू बेहद फ़ायदेमंद है। आप या बच्चा अंडा नहीं खाता तो उसको आलू ही आलू भी दे सकते हैं, क्योंकि आलू में कार्बोहाइड्रेट और अंडे में प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। कमज़ोर बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए इसका सेवन जरूर कराना चाहिए। दालें, दालें प्रोटीन की सबसे बड़ी स्रोत मानी गई हैं। दाल में दाल के पानी में भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आपका बच्चा कमज़ोर है तो उसका वजन बढ़ाने के लिए उसे नियमित रूप से दाल का पानी पीने दें। इसीलिए डॉक्टर भी किसी भी तरीके की परेशानी हो तो दाल का पानी या दाल पीने की सलाह देते हैं। आप अपने बच्चे को पनीर भी दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा पनीर नहीं खाता है तो उसे आप अलग अलग तरीके से सब्जी में पनीर डाल के या फिर पनीर के पराठे बनाकर भी खिला सकते हैं, क्योंकि पनीर में उच्च मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ये कैल्शियम से भी भरपूर होते हैं। बच्चे को पनीर खिलाने से उसकी हड्डियाँ और दांत मजबूत होते हैं। इसमें मौजूद विटामिन बी भी उच्च मात्रा में बोन को बढ़ाने में मदद करता है और बोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको दूर करता है। बच्चे के विकास के लिए पनीर से भरपूर मात्रा में पोषण लिया जा सकता है। आप अपने बच्चे की खान पान में पनीर शामिल कर सकते हैं। मलाई वाला दूध, मलाई वाले दूध में पर्याप्त मात्रा में वसा पाई जाती है, जो बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर बच्चा दूध पीने से मना करता है तो उसे अलग अलग तरीके से शेक बनाकर खिलाइए, या चॉकलेट पाउडर, इस तरीके के कोई प्रोटीन पाउडर बना के खिलाएं, या फिर आप कोई भी उसके लिए स्वीट डिश बनाते हैं, जैसे सूजी वगैरह बनाते हैं, तो उसमें आप पानी की जगह दूध ऐड कर सकते हैं। बच्चे को कौन सा वाला दूध देना चाहिए, कौन से दूध की मात्रा देनी चाहिए, क्योंकि दूध भी दो तरीके का होता है, A1 मिल्क, A2 मिल्क। इस विषय में भी जानकारी के लिए आप मेरे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने इसका एक डिटेल में पोस्ट लिखा हुआ। और अगर आप इस विषय में वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वो भी मेरी साइट पर वीडियो पड़ा हुआ है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बादाम या ड्राई फ्रूट, बादाम बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं। ये हमारे मस्तिष्क के विकास में भी बहुत मदद करता है और बच्चों में एनर्जी पैदा करता है। बच्चों में कब्ज की परेशानी को भी बादाम से दूर किया जा सकता है। बादाम से रिलेटेड जानकारी के लिए भी आप मेरे ब्लॉग संगीताहसबैंड.com पर विजिट कर सकते हैं। सारी जानकारियां मैंने वहां पर दी हुई हैं। वहां पर हेल्थ सेगमेंट में जाके आप सारी डिटेल ले सकते हैं। च्यवनप्राश, सुबह या शाम दूध के साथ च्यवनप्राश लेना बहुत अच्छा होता है। इससे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है और वो पूरा दिन फुर्तीला महसूस करते हैं। आप घर पर भी च्यवनप्राश बना सकते हैं। इसमें कई सारी जड़ी बूटियां होती हैं, जिससे बच्चा स्वस्थ और मजबूत रहता है। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हेल्थ से रिलेटेड किसी भी हेल्थ टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही मेरे ब्लॉग संगीताहसबैंड.com को भी सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर भी मैं हेल्थ से रिलेटेड जानकारियाँ देती हूँ। आप और जानकारियों के लिए मेरे ट्विटर और फेसबुक को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।